चमेली, ओ चमेली, अब बाहर आओ, तुमको लेने आए हैं। दूर रहो हमसे। फोनवा पे मना किए थे ना कि चमेली नहीं जाएगी तुम्हारे साथ, फिर क्या जरूरत थी आने की? अच्छा, और आपके कहने से क्या होता है? और रही बात जरूरत की, तो जरूरत है तभी आए हैं। 10 दिन हुआ हमारी शादी को, हमको जरूरत नहीं होगा तो कहाँ आपको होगा? जरूरत ही तो नहीं पूरी कर पा रहे हमारी चमेली की, इसलिए तो जाना नहीं चाहती तुम्हारे साथ। सासू माँ, बुढ़ापे में दिमाग फिर गया क्या तुम्हारा? दिमाग जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पूरा बैंड बजा के साथ बारात लेके आए थे यहीं पे, हस्बैंड है उसके, हम ऐसे कौन सी जरूरत है? सुबह देसी घी की जलेबी रबड़ी के साथ, दोनों टाइम चिकन मटन, वो भी बिना हड्डी का, पूरा शरीर सोने के गाना से लाती, और पता नहीं कौन सी जरूरत है जो जब देखो तब जहर उगलते रहती हो। अच्छा दामाद मिल गया है, कोनो कदर ही नहीं है। ए देखिए, एकदम शुद्ध देसी घी का रबड़ी लाए हैं अपनी चमेली के लिए, देखिए। नहीं चाहिए यहाँ पर किसी को तुम्हारी रबड़ी, ले जाओ यहाँ से। एक बार कह दिए चमेली नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी, ऐसा कौन सा बलंडर कर दिए हम कि नहीं जाएगी हमारे साथ चमेली? हम बताते हैं जमाई जी कि चमेली काहे नहीं जा रही है आपके साथ। खड़े खड़े तू क्या कर रही है यहाँ पर? अंदर जा, बहुत काम पड़ा है। बुआ जी, ऐसी कौन सी बात है जो चमेली हमारे साथ नहीं जाना चाहती? जमाई जी, हर बात चौकट पे नहीं करी जाती है। आप अंदर आ जाओ, सब बात बताती हूँ। अंदर जाके जमाई जी, चमेली खुद रहना नहीं चाहती है आपके साथ। अरे काहे नहीं रहना चाहती, ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया हम उस पे? आप जुल्म किए होते तो सह लेती, आप तो कुछ किए ही नहीं हो। रे भगवान, जब कुछ किए ही नहीं है तो काहे नहीं चलना चाहती हमारे साथ? हे बुआ जी, देखिए हम आज ही अपनी चमेली को ना अपनी फटफटिया पे लेके जाएंगे, आप बुलाइए उसको। आपकी फटफटिया चलती कहाँ है? काहे नहीं चलती है, एकदम फर्स्ट क्लास चलती है। ससुरी रोड से चिपक कैसे चलती, जैसे ही ये हमारी सिगरेट ना, ये हमारे होठों से लग जाती है ऐसे। हम उस फटफटिया की बात नहीं कर रहे। अरे तो और कौन सी फटफटिया है हमारे पास? जमाई जी, हम इस फटफटिया की बात कर रहे हैं जो रात के अंधेरे में चार पाई पे बिना ब्रेक की चलती है ना, धकाधक धकाधक धकाधक। ए बुआ जी, हमारी फटफटिया एकदम सही चलती है, एकदम धकाधक, बिना रुके या बिना झुके, अब कोई खराबी नहीं है इसमें। खराबी है, तभी तो हमारी बिटिया तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। आई बात कौन बोला आपको सासू जी? खुद चमेली झूठ बोलती है। वो भी झूठ बोल रही है और आप सब भी एकदम सब झूठ बोल रहे हैं। वो क्यों झूठ बोलेगी,
कोई भी पत्नी अपने पति के बारे में तभी बोलेगी जब उसमें जरा सी भी सच्चाई हो। बहुत सच्चाई दिख रही है हमको। ये देखिए, आप सब लोग ना बहुत ज्यादा नाटक कर रहे हैं, बता रहे हैं। हम हमारी मिसेस को बुलाइए, हम खुद उससे बात करेंगे। बुलाइए हमारी मेहरारू को। इतनी बेशरम नहीं है हमारी बिटिया जो ऐसी बात हम सबके सामने बोले। इसलिए तो बुआ को सब कुछ बता दिए और जो तुम सुन लिए हो, अब चले जाओ यहाँ से। ऐसे कैसे चले जाएंगे, मिसेस है हमारी वो। सासू जी, हम अपनी मिसेस को लेने आए हैं और लेके जाएंगे, अब बुलाइए उसको आप। क्या स्टाइल है जीजा जी का। तुम बहुत किस्मत वाली हो दी जो इतने सुंदर पति मिले हैं तुम्हें। तुझको अपने जीजू इतने ही सुंदर लगते हैं तो तुम चली जाओ उनके साथ। मेरा दिमाग मत खाओ। हम कहे चले जाए उनके साथ, तुम्हें लेने आए हैं और तुम जाओगे उनके साथ। और पता है, तुम्हारे लिए रबड़ी भी लेकर आए हैं साथ में। वो रबड़ी भी तुम ही खा लो। जो हमें रबड़ी चाहिए वो तुम्हारे जीजा जी नहीं दे सकते। मेरा भेजा मत खाओ। ये क्या कर रही है? सॉरी, ये क्या कर रही हो तुम? धक्का मार रही हो? हमको बताओ कि ऐसी कौन सी रबड़ी नहीं है हमारे पास। ये देखो, एकदम तुम्हारी फेवरेट वाली रबड़ी लेके आए हैं। देखो, कब समझेंगे ये? अरे सच करे, हमको समझ ही तो नहीं आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ। पहली बार जमाई अपने ससुराल आया है, उसका आदर सत्कार करने की जगह उसका इंसल्ट किया जा रहा है बार बार। हम कसम से कह रहे हैं, तुम बस एक बार हमारे साथ यहाँ से चल चलो, जीवन में पूरे ना इस घर क्या इस गांव में कदम नहीं रखेंगे। सुनो, चलो हमारे साथ आओ, चलो। नहीं जाना हमें आपके साथ। अरे पर काहे नहीं चलना है? जब कुछ हमको बताओगे कि प्रॉब्लम का है तभी तो सलूशन बताएंगे ना। जो हमें चाहिए वो तुम नहीं दे सकते हो, तो इसलिए चले जाओ। अरे पर सुन लिया तुमने क्या कहा चमेली ने? अब जाओ यहाँ से। अब तो ये रिश्ता खत्म, भूल जा चमेली को। ऐसे कैसे रिश्ता खत्म हो जाएगा हा? कैसे भूल जाए अपनी मिसेज जी को? गुड्डन गुड़ियन का खेल है का? ऐ सासू जी, हमारी बात ना कान खोल के सुन लीजिए। हम अपनी मिसेज जी को लेने आए हैं और लेके ही जाएंगे। वो ज्यादा नाटक करेंगे ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो चमेली। नहीं जाना है हमें। हैं, हमरे घर में आके हमको धमका रहे हो? अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखा दिए ना तो जिंदगी भर चक्की पीसते रह जाओगे। हमरी चमेली अब तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ये हमारा आखिरी फैसला है। और हम भी देखते हैं कि कौन रोकता है हमको चमेली को यहाँ से ले जाने से। और सासू जी, कान खोल के सुन लीजिए, अगर कोई भी हमारे रास्ते में आएगा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। करे चलो हमारे साथ, चलो। अरे नहीं जाना हमें, चलो। नहीं जाना हमें, चलो। करे छोड़ो, चलो। नहीं जाना। जीजू, जीजू, दीदी, चल। हमको धक्का मारा? गेंदा कुमार को चोट पहुंचाया तुम लोगों ने? बताते हैं, तुम सब के सब चक्की पीसोगे, सब के सब। तुम लोगों को तो अम्मा, अब क्या होगा? अब जो होगा देखा जाएगा। इस गांव के तो नहीं लगते, यहाँ कैसे? ससुराल है हमारा यहाँ। अच्छा, किस घर के जमाई हो? रे डॉक्टर साहब, वो नुक्कड़ पहना घर, उसी घर के जमाई हैं हम। अच्छा अच्छा, समझ गए, लाजो चाची के जमाई हैं। बहुत अच्छी लेडी हैं, पूरे गांव की चाची हैं वो। वैसे एक बात बताओ, ये चोट लगी कैसे? मोटरसाइकिल से गिर गए थे। अच्छा, दर्द हो तो ये एक गोली ले लेना,
और हमने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, ये भी खरीद लेना। कितना पैसा हुआ आपका? अरे काहे शर्मिंदा कर रहे हैं, इस गांव के जमाई हैं, आपसे थोड़ी ना पैसे लेंगे। ठीक है, थैंक्स यू। मेंशन नॉट। क्या जरूरत थी तुझे धक्का देने की? वो हमको जबरदस्ती लेकर जा रहा था तो हम क्या करते? हाँ। कोई हमने जानबूझकर तो दिया नहीं, बस धक्का लग गया। ये ठीक नहीं हुआ है, बहुत ही क्रोध में गया है वो। पागल कहीं की, भगवान जाने क्या करेगा वो। हमें तो लग रहा है जैसे जीजाजी गुस्से से गए हैं, जरूर थाने तक जाएंगे रिपोर्ट लिखवाने। अम्मा अब क्या होगा, कहीं हमें पुलिस पकड़कर तो नहीं ले जाएगी? हे भगवान, चिंता ना करो, अगर रपट भी हुई तो अपनी सरपंच है ना, सब संभाल लेगी। जो भी हो, जमाई इस गांव का तो है नहीं, इसलिए सरपंच हमारा ही साथ देगी। बिंदिया जाकर देख कौन आया है। भगवान करे पुलिस ना हो। कौन आया था? सरपंच का आदमी आया था। काहे? पंचायत में बुलाया है, लगता है गंभीर मामला है। चलो सब। अम्मा का होगा आप? अम्मा बहुत कड़क है, है? बहुत कड़क है, विश्वास ना हो तो खुद ही चेक कर लो। अरे हम तुम्हारी नहीं, अपने तंबाकू की बात कर रहे हैं। बहुत कड़क है। तंबाकू पे चर्चा करने के लिए बुलाया हमको यहाँ पे? सरपंच जी मुद्दे की बात करिए, अटैक हुआ है हम पर, वो भी जानलेवा, हत्या का केस बनता है। जमाई जी क्रोधित ना हो, हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। आखिर हम यहाँ किस लिए बैठे हैं बताइए, क्या केस है आपका? केस का है? कौनो केस नहीं है, केस तो जुटाई का बना दिया हम पर। पूछिए इससे कि ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया इस पर कि हमारे साथ चलना नहीं चाहती। जमाई जी आपकी पत्नी का कहना है कि आप इसे संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। सीधी भाषा में कहे तो तुम नपुंसक हो, इसलिए तो हमारी बिटिया तुम्हारे साथ जाना नहीं चाहती। ओ सासू जी काहे झूठ बोल रही है। सरपंच जी पूछो इससे कि सुहाग रात के दिन काल किए थे इसका, पूरा लाल कर दिए थे इसको। हो सकता है कि आप अपनी इज्जत बचाने के लिए सबके सामने झूठ बोल रहे हो। भला कोई पत्नी अपने पति के बारे में ऐसा झूठ क्यों बोलेगी कि वो नपुंसक है। लगता है तुम ही झूठ बोल रहे हो, पंच सही बोल रही है। ओ चचा जवानी की आखिरी चिराग, बहुत हमको झूठा साबित करने पे लगे हो ना। चलो खोपचू में बताते हैं तुमको, जब चार दिन टट्टी नहीं आएगा तो समझ में आएगा कि तकलीफ का होता है। बात करने की तमीज नहीं है तो गांव छोड़कर चले जाइए आप। तो हमको भी कोई आप लोगों का नौटंकी देखने का शौक नहीं है, हम तो सिर्फ अपनी मिसेज जी को लेने आए हैं, ये चले तो हम भी चले जाएंगे। नहीं जाएगी चमेली, ये बात तुम समझ लो। ऐसे कैसे साथ नहीं जाएगी? अपना ही फरमान सुनाना है तो ये सरपंच को काहे बुलाई हो आप। लाजो जमाई जी ठीक कह रहे हैं, पंचायत के सामने तुम्हें अपना फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। ये काम पंचायत का है और हमारा फैसला ही तुम सबको मानना होगा। पर पंचायत फैसला करेगी भी कैसे, किस पर विश्वास करेगी कि कौन सही है और कौन गलत? हम तो कहते हैं कि इनका सरकारी हॉस्पिटल में जांच करवा लेते हैं, सच का सच और झूठ का झूठ पता चल जाएगा। 100% सही बात कही चमेली बिटिया तुमने। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हरिया जी जाकर डॉक्टर साहब को बुला ला। जी अभी लाता हूँ। राम राम मैडम जी, बताइए किसकी जांच करनी है? इनकी जांच करवानी है। अरे इनकी, ये तो लाजो चाची के जमाई जी है ना, सवेरे ही आए थे हमसे ये पट्टी करवाने। हमने जांच कर ली है, मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब
इनकी चोट की जांच नहीं करवानी। चोट की जांच नहीं करनी है तो काहे की करनी? इनकी पत्नी का कहना है कि ये उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाते और इस बात को ये झुटला रहे हैं। तो अब कौन सही है और कौन गलत, इस बात को आप ही साबित कर सकते हैं। समझ गए मैडम, समझ गए। हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। बस जमाई जी को अपना सैंपल देना होगा। सैंपल? किस बात का सैंपल? अरे वही सैंपल जिससे पता चलेगा कि ये मर्द है या नहीं। अरे डॉक्टर साहब, अंधे हो क्या? 6 फीट का लौंडा सामने खड़ा हुआ है और आप बोल रहा है कि मर्द नहीं है? हरिया जी, डॉक्टर साहब, रिपोर्ट कब तक आएगी? यही कुछ हफ्ता 10 दिन में, थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है। ये देखो डॉक्टर बाबू, लौंडियों की जांच तो ताबड़तोड़ एक दिन में कर देते हो, लौंडे की जांच ना हो रही एक दिन में आपसे। हरिया, सुन लिया तुमने? अब अपने घर जाओ, 10 दिन बाद आकर सरपंच जी का फैसला सुन लेना। ओ सासू जी, औरत होगी गीला कंडा, जब भी मुंह खोलती हो बासी मारती हो। तो कह दिया ना एक बार हम आपसे, चमेली को लेने आए हैं तो उसको लेके ही जाएंगे, और जब ये पटर पटर अपना ही फरमान सुनाना है तो ये सरपंच जी को कहे, इनका इंसल्ट करने के लिए बुलाइए इनको। डॉक्टर साहब की रिपोर्ट आने तक जमाई बाबू अपने ससुराल में ही रहेंगे और ये हमारा अंतिम निर्णय है। अरे रुकिए, अरे अरे रुकिए रुकिए, ये अगर सवेरे ही आप हमें इस कमजोरी के बारे में बता दिए होते तो हम तभी आपका जांच कर लिए होते। अरे जब कोनो कमजोरियां नहीं है तो क्या बताते? अगर कोई कमजोरी नहीं है तो पंचायत काहे बैठी? बैठा है तभी तो बैठी थी ना। ओ डॉक्टर, ज्यादा डबल मीनिंग संवाद करोगे ना तो चूतर लाल कर देंगे अभी। अंदर चलिए, जांच करिए और रिपोर्ट सरपंच को दीजिए, हमको अपने मिसेस को लेके जाना है। आप तो नाराज हो गए जमाई जी, हम तो मजाक कर रहे थे। आप जैसा हट्टा कट्टा आदमी, उसको ये मर्दानी कमजोरी कैसे हो सकती है? हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि आप पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। चलिए 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 चलिए। ये लो, इसमें अपना माल भर दो, हम आज ही तुम्हारा सैंपल शहर ले जाएंगे। यहीं भरे? अरे नहीं नहीं, अंदर जाओ, अंदर जाके भरो। एक मिनट रुको रुको। क्या हुआ? ये ले जाओ, इससे देखकर काम जल्दी होगा। बेस्ट ऑफ लक। बड़े हरामी हो डॉक्टर। वो तो हम हैं। ससुराई डॉक्टर ना, क्या हुआ? नहीं हुआ? अरे माल भर दिए, जाके उठा लीजिए। हाँ तो हम ही ले आते हैं। अरे तुम तो पूरा डब्बा ही भर दिए। अरे ये क्या कर रहे हो? सिगरेट पी रहे हो? अरे सरकारी अस्पताल है, तुम्हारा घर नहीं है ये? अरे पी थोड़ी ना रहे, होंठ पे लगाइए सिर्फ। अच्छा हमारा काम हो गया, हम चलते हैं। अरे रुको रुको, अब जा ही रहे हो तो हमें भी बस अड्डे तक छोड़ दो, हम तुम्हारा सैंपल आज ही शहर भेज देंगे। डॉक्टर लटकते बहुत हो तुम। अच्छा यहाँ जला लेना अब। हाँ जला लो। तुम ना एकदम कान में डंडा कर देते हो डॉक्टर। इधर है तुम्हारी बाइक। अरे
अरे वाह दीदी, जीजा जी से झगड़ा और उनकी लाई हुई रबड़ी से दोस्ती। झगड़ा और रबड़ी का क्या मेल? वो जैसे भी है हमारे पति हैं और वो हमारे लिए लाए हैं, हम ही खाएंगे। दीदी एक ठो बात पूछे। हाँ पूछो। यही कि जो इल्जाम जीजाजी पर लगा रखा है तुमने, का वो सच है? हम काहे झूठ बोलेंगे? कोई लड़की अपना घर झूठ बोलकर उजाड़ना चाहेगी? जो कहा है सत्य कहा है। पता नहीं हमें काहे गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़? पंचायत ने जांच का आदेश दे दिया है, जांच होने के बाद सब सामने आ ही जाएगा। भगवान करे जांच में सब कुछ ठीक निकले। ऐसे घूर का रही है सासू जी? पंचायत का फरमान है, जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती हम यहीं रहेंगे। और हमको बहुत तेज भूख लगी है, कुछ बढ़िया बढ़िया खाने के लिए मंगवाइए ना। पंचायत ने यहाँ रहने का फरमान दिया है, खाने का नहीं। अरे कितना जहर भरा है सासू जी आप में। अब समझे हम कि काहे ससुर जी जवानी में ही चल बसे। चुप पे रहो नहीं तो एक। अरे भाभी काहे बात का पतंगड़ बना रही हो? पतंगड़ हम बना रहे हैं, देख नहीं रही हो कैसे हमें ताना दे रहा है वो? एक बार रिपोर्ट तो आने दो, इस गांव से ना निकाल दिया ना तो हमारा नाम भी लाजो नहीं। और हम भी देखते हैं रिपोर्ट आने के बाद हमारी चमेली को यहाँ से ले जाने से कौन रोकता है। जा दिखा इसको कमरा। जमाई जी चलिए मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। जूता उतार के जा। अच्छा हरामी जब देखो मरा कर थी, हमारी बिटिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये आपका कमरा है, आप आराम करो, हम खाना भिजवाते। हाँ दो पैरासिटामोल ले लेना और एक निमोसलाइड। ठीक है। इतने दिनों बाद कहाँ थी? वो जीजा जी है ना घर पर, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है इसलिए काफी दिनों के बाद आज कॉलेज का बहाना बना के आई हूँ यहाँ। अच्छा अब आई हो तो इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मैं तो कब से बेकरार हूँ देने को प्यार। तो दो ना प्यार। लो ना। इसके कमरे में क्या कर रही थी? कहाँ जा रही हो अकेले? कुएं से पानी लेने। कुमकुम कहाँ है? कुमकुम तो कॉलेज गई है। बिंदिया तुम कहीं नहीं जा रही हो? हम जमाई जी के लिए नाश्ता बना रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की। तुम जाओ चमेली के साथ कुएं पे, जमाई जी को नाश्ता देना होगा तो हम दे देंगे। घूरो नहीं, जाओ कुएं पे पानी भर के लाओ। रसोई में बहुत काम पड़ा है। चल जमाई जी। अरे सासू जी क्या कर रही हैं? सीधे में उठाई चले आएंगी, दिखाई नहीं दे रहा आपको हम कपड़ा पहन रहे हैं?
का है? नाश्ता लाए, खाकर थाली धोकर रसोई में रख दीजिएगा। ये नाश्ता है? जमाई को ऐसा नाश्ता देंगी? पूड़ी और प्याज। तो और क्या चाहिए? चिकन, मटन, बटर लगा हुआ रोटी, वो सब लेके आइए। ये फालतू चीज हम नहीं खाएंगे। ये सब यहाँ नहीं मिलने वाला। जितने दिन यहाँ हो यही नाश्ता है और यही खाना पड़ेगा। हम नहीं खाएंगे ये सब फालतू चीज। पकड़ो इसे। अरे हम नहीं खाएंगे सब। पूड़ी प्याज खाने हम यहाँ? अपना गुस्सा ये खाने पे निकाल रहे हो, नपुंसक कहीं के। ए सासू जी, हमको नपुंसक मत बोलिएगा। बोल रहे हैं नपुंसक होंगे आपके पिताजी, आपका पूरा खानदान, अरे पूरा गांव हमको नपुंसक बोलेंगे ना। तो आग काहे लग गई देही में? जो सच है वही हम बता रहे हैं। चल निकल, संस्कार नाम के तो कोई चीजें नहीं है। रिप,